संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर गरीबों को राशन, सैनिटाइजर सहित कई उपयोगी सामान लालपुर थाना क्षेत्र के गरीबों के बीच बांटा गया है। इस मौके पर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई, इसका जायजा लिया है संवाददाता अंजनी ने। पूरा भारत लॉकडाउन है और अब जो है 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। आज 14 अप्रैल का दिन है, आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ऐसे मौके पे कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन की तरफ से बाबा साहब को भी याद किया जा रहा है और उनके जयंती के मौके पर और लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, इस मकसद से जो है लगभग 50 से 60 जो नीडी पर्सन है, जो गरीब लोग हैं, उन्हें अनाज भी दिया जाएगा, एक पैकेज दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, युवा हैं और समाज के प्रति इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि आपके घर के बगल में या पूरे गली मोहल्ले में कोई भूखा ना रहे, और इसी अभियान के साथ जो है ये आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन है जिसमें सामाजिक दूरी को भी मेंटेन किया गया है। तो यहाँ वितरण किया जा रहा है राशन का। जी अभी हम लोग लालपुर स्थित काली मंदिर रोड में हम लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर आज हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। हम लोग का निरंतर करीब जब जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से निरंतर हम लोग राशन बांटने का, सैनिटाइजर देने का, मास्क देने का काम कर रहे हैं। तो आज उनके जयंती पर खास तौर पर यह कार्यक्रम रखा गया है कि गरीबों के बीच आप देख सकते हैं कि आज हमने 200 परिवार का राशन बनाया है। आज 25-50 परिवार को यहाँ पे बुलाया है जो राशन देने का काम करेंगे। उनका जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी का जो वो कहते थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो और हमेशा ऊपर जाति नीचे जाति को मिला के उनका जो छुआछूत का जो उनका ना संघर्ष किए, उसी का संघर्ष को हम लोग देखते हुए, उनके आदर्श को मानते हुए हम लोग ये कार्यक्रम जो आज। तो ऐसी खबरें जो हैं समाज के वैसे लोगों के लिए राहत लेकर आती है जिनके पास खाने को के लिए जो है परेशानी है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची।